पतकासगंज में पानी पाइपलाइन डालने के लिए नगरपालिका ठेकेदार ने पूरी गली ही खोद डाली है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ केंद्र राज्य सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, शहरों को साफ करने पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नगरपालिकाओं ने स्वच्छ भारत के अभियान के नाम पर केवल स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर विज्ञापनों पर ही करोड़ों रुपए फूंक दिए। अगर इस पैसे का उपयोग सही तरीके से किया जाता तो शहरों की स्थिति सुधर सकती थी, लेकिन नगरपालिकाओं द्वारा भ्रष्टाचार के चलते जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया गया। ऐसा ही एक मामला कासगंज नगर के सहावर गेट रेलवे लाइन पर नगला स्थल क्षेत्र का है, जहां पिछले कई दिनों से इंटरलॉकिंग और पानी की पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है। पानी पाइपलाइन डालने के नाम पर बनी हुई गलियों को खोदकर उनमें पाइपलाइन डाला जा रहा है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि एक गली में दो साइजों की पाइप डाल दी गई है। मानक के विपरीत पाइपलाइन डालने की जल्दी में ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन डाल दी गई, पूरी गली खोदकर उसमें पाइपलाइन व मिट्टी से ढक दिए गए हैं ताकि किसी को नजर इन घटिया पाइपों पर ना पड़े। और इस जल्दी में एक जगह तो नाली ही तोड़ दी गई, जिसका गंदा पानी पास समरसेविल से होते हुए जमीन के अंदर बहुमूल्य भूगर्भ जल को दूषित कर रहा है। इस संबंध में जब ठेकेदार को जानकारी दी गई तो ठेकेदार के अनुसार नाली का गंदा पानी रोकने की जिम्मेदारी नगर पालिका को बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। बेशर्मी का आलम यह है कि पाइपलाइन डालने के बाद नगर पालिका पूरी गली को बनाना ही भूल गई। पूरी गली में गड्ढों के कारण एक सफाई कर्मी भी गड्ढे में गिर गया था। उसके बाद नालियों का पानी गड्ढों से होता हुआ भूगर्भ जल को दूषित कर रहा है। स्थानीय सभासद नेत्रपाल सिंह मंत्री से जब उक्त कार्य के बारे में जानकारी चाही गई तो सभासद द्वारा उक्त कार्यों के संबंध में बताया गया कि नगर पालिका द्वारा किसी भी प्रकार का कोई टेंडर नहीं उठाया गया है। जानकारी होने से इनकार कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि कासगंज नगर पालिका और अधिशासी अधिकारी को उक्त कार्यों की जानकारी नहीं है, वहीं अधिशासी अधिकारी को पूरे मामले की सूचना देने के बाद भी कोई कार्यवाही न करना साबित है कि नगर पालिका और अधिकारियों के नजर में पैसे के आगे कोई भी चीज की कोई भी कीमत नहीं है, न ही उस जल की जो बहुमूल्य है और न ही आम नागरिकों की। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट, कासगंज। जनपद कन्नौज के विकासखंड हसेरन के ग्राम देह का पुरवा निवासी आनंद कुमार पुत्र विजय सिंह नायक उम्र लगभग 11 वर्ष आनंद कुमार अपने साथी अर्जुन पुत्र मकरंद सिंह खेतों की गेहूं की बाली देने के लिए गया था। उसे प्यास लगी तो पीने के लिए नहर पर गया। अर्जुन का कहना है कि मेरे साथ पानी पीने के लिए गया था, उसने अपने कपड़े उतार दिए, चप्पल उतार दिया, मुझे बोला कि वह नहाने जा रहा है, कपड़े चप्पल उतार कर वहीं बैठकर नहाने लगा, तभी उसका पांव फिसल गया जिसके चलते नहर में जा गिरा। बालक को डूबता देख परिजनों को जानकारी दी गई तो सभी परिजन दौड़ते हुए नहर के पास पहुंचे, जहां पर चप्पल देकर बिलख बिलख कर रोने लगे। अभी तक आनंद का कोई भी पता नहीं चल सका है। पुलिस के द्वारा नहर में छानबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक आनंद का पता नहीं चला है। क्या हुआ था कल? कटाई के लिए हम चले गए थे जी। और पीछे से ये भी बच्चा लोग बाली बीनने के लिए गए थे वहाँ पे। हमने रोका कि बच्चा कहीं मत जाओ, और हम काटने में लग गए सर, कितने टाइम में निकल गए। और बस पानी पीने के लिए उसने अपने कपड़े तक उतार के वहीं पे रख दिए, पानी पीने के लिए पैर धराए और लिपट के वहीं पे चला गया। जब एक बच्चा संग में था उसने आके बोला अम्मा अम्मा ला बच्चा डूब गया तुम्हारा, भाग के गए तब तक वहाँ पे कुछ नहीं था। कल क्या हुआ था? कल वे हम लोग बाल बीनने गए थे, उसके बाद फिर उसको प्यास लगी, वो पानी पीने चला। किसको प्यास लगी थी? आनंद को। आनंद को प्यास लगे, इसके बाद वो पानी पीने लगा, उसके बाद उसने कपड़ा उतारे, फिर वो नहाने लगा, थोड़ी दूर तक चला, उसके बाद वो डूब गया। कहाँ पे? खजूर, इस रास्ता से खजूर के सामने। किसमें डूब गया था? नहर में। फिर आपने क्या किया? हमें दिखाई नहीं दिया था, हम घर को आए, फिर उनके मम्मी को बताया कि आपका लड़का नहर में डूब गया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज। जनपद हरदोई के ब्लॉक अरिहोरी के ग्राम बड़ियनपुरवा में राजेश कुमार व अजय कुमार व मां राजरानी का 9 बीघे का खेत है, जिसमें बिजली विभाग की लाइन गुजरती है, जिसका तार अचानक टूट जाने के कारण रबी की पूरी फसल जलकर राख हो गई। वहीं गरीब किसान के बच्चों का निवाला भी छीन लिया गया, जिसके चलते परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। कहाँ रहते हो? बड़ियनपुरवा। क्या समस्या है?
साहब हमारे खेत में बिजली की लाइन निकसी तार टूट गए तो हमारा गेहूं का फसल पूरा नष्ट हो गया, हमारा, हमारे भाई का और मम्मी का। कई बीघे खेत था? 3-3 बीघे है साहब। 3 बीघे तुम्हारा है, 3 बीघे माँ का? 3 बीघे मेरे भाई अजय कुमार का। अच्छा, पूरी फसल? पूरी फसल जल के नष्ट हो गई है, खाक हो गई है। कोई फायर ब्रिगेड वाले बुलाए थे? फायर ब्रिगेड वाले आए थे, पहुंचे जब जब पूरा जल के खाक हो गए। खाने पीने की व्यवस्था और तुम्हारे पास क्या? और कुछ नहीं है हमारे पास, अनाज वही उत्ता होता है, वही से गुजारा होता, बच्चे है हमारे 3। क्या करते हो तुम? बस अपना खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी मेहनत कर लेते हैं, जहाँ कहीं मिल जाती है। खाने पीने की दिक्कत आ गई? अब खाने पीने के लिए है ही नहीं, उतने तो गेहूं था हमारे पास। क्या नाम है फिर बताइए एक बार? राजेश कुमार। राजेश, कौन गांव रहते हो? बढ़ियनपुरवा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट, हरदोई। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में चुनावी माहौल के लेकर प्रशासन की सख्ती नहीं दिख रही। आपको बता दें कि स्टेशन रोड जहां 1 घंटे तक जाम लगा रहा, तो वहीं कोई भी सिपाही वहां पर मौजूद नहीं था, जिसके चलते जाम में फंसे काफी लोगों को दिक्कतें हुई। वहीं लोगों का कहना था न जाने कब तक इस जाम से निजात मिलेगी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।